ਅੱਜ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕ ਰੋਕੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਰੈਕ ਸੱਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ जो किसान है वो यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। जिस तरह से पंजू शंभू बॉर्डर पर जो किसान है वो बैठे हैं, उन पर रह रहकर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। आरोप है कि वहां पर लाठीचार्ज भी कुछ बॉर्डर पर हुआ, जिंद बॉर्डर पर। उसके सॉलिडेटरी में जो सबसे बड़ा किसान संगठन है बीकेयू उग्रहा, उसने रेल रोको अभियान का ऐलान किया था कल और आज इसी के तहत ये जो तमाम किसान है, जरा अनिल तस्वीरें दिखाइए, ये रेलवे ट्रैक है और इसी रेलवे ट्रैक पर जो तमाम किसान है वो यहाँ पर बैठ गए हैं। 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको अभियान का ऐलान किया गया था और इसी के तहत ये तमाम लोग यहाँ पर अब बैठे हुए हैं। इनका ये कहना है कि अगर संगठन इस बात का ऐलान करता है कि टाइमिंग बढ़ाई जाए तो टाइमिंग बढ़ा देंगे। राशन पानी के साथ जो तमाम ये किसान है वो यहाँ पर बैठे हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि हम कुछ लोगों से बात भी करें यहाँ पर। सर आप किस लिए यहाँ पर बैठे हो और कितने बजे तक का है? ये 4 घंटे का प्रोग्राम है जी। जिहड़ा जथेबंदी दे अपने इन्होंने डांगा चलाईया ने, गिट्टे तोड़े ने, बंब चलाए ने, गोलियां चलाईया ने, उन्हां दा जवाब देने लई आया सी जी। अज रेलां बंद करियां ने, इस तो गां जिन्ना जबर करूगी उदों बड़े एक्शन करांगे जी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इनका कहना है कि शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके से किसानों के साथ व्यवहार हो रहा है उसकी सॉलिडिटरी में यहाँ पर ये तमाम जो किसान है वो बैठे हुए हैं। कुछ और बुजुर्ग किसान है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाऊजी कितने भाई साहब कितने बजे तक किया ये बीकेयू का ऐलान है, किस लिए आप लोग यहाँ पर बैठे? ये हमारा 12 से 4 बजे तक का रेल रोको है। ये जो दिल्ली जा रहा है किसानों पे सेंटर की मोदी सरकार और हरियाणा की खट्टर सरकार तशद्दुद डाल रही है, उसके विरोध में है कि शांतमयी जा रहे किसानों पे सरकार जुल्म कर रही है, उन पे आंसू गैस के गोले फेंक रही है और तरह तरह के जुल्म कर रही है, उसके विरोध में हम 4 घंटे के लिए ये बंद किया है जी। बिल्कुल, तो देखिए ये साफ साफ जो किसान है उनका ये कहना है कि और भी किसान लीडर है। सर किस लिए आप लोग बैठे हो और कितने बजे तक बैठे होगे? सर हम बैठे तो 12 बजे तक हैं जी, लेकिन 12 से 3 बजे तक हमारा प्रोग्राम है जी। लेकिन कुछ ऐसा मीडिया ने बना दिया हमारे को, जैसे कि पाकिस्तान का बॉर्डर पे हम बैठे हैं जी, बीपीजी पहन के जैसे गोली चलने होली है, किसी साइड से गोली आ सकती है जी। तो ऐसा हमारे को किसानों को बदनाम करने के लिए कुछ मीडिया साथ में रला हुआ बीजेपी सरकार के जी, वो ऐसा पेश कर रहे हैं कि एक पता नहीं अतवादी आ गए, कौन है नक्सली आ गए, ऐसा मीडिया पेश करने में लगा हुआ हमारे को जी। तो हम उनको कहना चाहते हैं कि किसान साथ में आंदोलन करते आए हैं, साथ में आंदोलन करते रहेंगे, बीजेपी जितना मर्जी जबर कर ले हम सब्र से उनका मुकाबला करेंगे। देखिए बहुत अच्छी बात है कि सब्र से जो तमाम सरकार है उनका मुकाबला करेंगे और इसी के तहत रेल रोको अभियान किया गया था और इसी के तहत जो तमाम किसान है ये आप देख पा रहे हैं पटरियों पर बैठे हैं।